वेरी गुड, अच्छा है ये। ओके निश्चय। भरत साहब हेलो सर, कैसे जी, हैं? सर, मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ और मैंने आज पीवीआर में ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, पीवीआर में तो जी ओके उसमें मैं बहुत पेशेंस रख के मैं एक बार एग्जीक्यूट किया और मैं फिर छोड़ दिया उसको। फिर मेरा टारगेट ऑलमोस्ट लाइक 2 o'clock जाके मुझको मिला, तो मुझे फिर आज अपने पेशेंस का मतलब अच्छा रिजल्ट नजर आया, तो मैं बहुत ही सेटिस्फाइड था उससे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 10 o'clock के आसपास ट्रेड एग्जीक्यूट करके कभी 1-2 बजे तक उसको होल्ड कर पाऊंगा। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि यार आधे घंटे 1 घंटे में मतलब प्रॉफिट जल्दी से मिले और मैं निकलूं निकलूं निकलूं, लेकिन आज अच्छा लगा मुझे उस ट्रेड को होल्ड करके और बहुत फ्रूटफुल था रिजल्ट मेरे लिए। कुणाल सर। हेलो जी कुणाल जी, बोलिए। सर। हाँ सर, मेरा सर मैंने आपसे बात किया था सर। मैं तो कुछ सालों से 3-1 साल से कोशिश कर रहा था इसमें, मतलब मेरे आपका कोर्स करने के बाद मुझे अब और भी कोर्स करने का जरूर नहीं पड़ेगा। मतलब मुझे बहुत ही सेटिस्फेक्शन मिला है और पिछले जब से मैंने ट्रेड करना शुरू किया है पहली बार इतने सालों में ऐसा हुआ है कि मैं प्रॉफिट में रहा हूँ। तो और मेरे 9 ट्रेड, अगर मैं आपको बताऊं कितने ट्रेड हुए हैं, तो 9 ट्रेड हुए हैं। उसमें एक ही मैंने मतलब मैंने रूल ब्रेक किया था मेरा, तो इसकी वजह से मुझे कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना पड़ा। बाकी सब ट्रेड में 1:2 के ऊपर ही मुझे प्रॉफिट हुए हैं सर। तो मेरा सर कॉन्फिडेंस लेवल ही बहुत अलग ही मतलब बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि बहुत साल लग गए सर इसको क्रैक करते करते। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल, जो हमारे पीछे मेहनत की उसके लिए, तो बहुत अच्छे। अभी बस जो भी करना है खुद के इम्प्रूवमेंट और करते करते स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस को बस करते करते आगे बढ़ना है बस सर। थैंक यू। कुणाल साहब, जिस प्रोसेस के साथ आप मेहनत करो ना, सिर्फ कुणाल साहब ही नहीं यस बाकी सर, सभी लोग, जिस प्रोसेस के साथ आप काम करो ना, उसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना, क्योंकि हम बार बार यही बात बोल रहे हैं। और हमारे लिए जो सबसे बड़ा एनिमी हमारा साबित होता है मार्केट के अंदर, वो हमारा एग्रेशन होता है। सही बात है। आप यकीन नहीं मानोगे, पूरे 300 जितने भी ट्रेडिंग सेशन होते हैं ना, मान लीजिए पूरे मंथ में आपको 20 ट्रेडिंग सेशन मिलते हैं, 20 में 90 डेज तो अपने आप को अपने काबू में कर लिया, बट एक दिन अगर आप अपने आप को काबू नहीं कर पाए, तो ये 19 डेज की सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाती पानी में चलिए, सही बात। है ना। जितना मेहनत आपने की थी 90 डेज में अपने आप को परफेक्ट बनाने के लिए की है, सिर्फ उस एक दिन, जिस दिन आप एग्रेशन में हो, उस दिन अपने आप को संभालने के लिए ही आप इधर 19 दिन तक मेहनत करते हो। सही बात। वो जो एग्रेशन का फेज आता है ना, उसमें माइंडसेट हमारा क्या बनता है कि कोई बात नहीं यार, 10,000 रुपए अकाउंट में पड़ने, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि वो बहुत डेंजरस होता है उस फेज में आकर के। ये भी एक साइकोलॉजिकल पार्ट होता है कि कोई बात नहीं, हटाओ, ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए तो चले जाएंगे, चलो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। मतलब जब इस तरह से आपका दिमाग सोचने लग जाए, बहुत मुश्किल होता है उस वक्त अपना सिस्टम ऑफ कर देना, सही लेकिन बात उस दिन काम मत कीजिएगा बिल्कुल भी, और ये काम बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एग्रेशन जिस दिन भी आपको लगे ना, 1% भी अगर आप एग्रेसिव हो किसी दिन ट्रेड के लिए, एग्रेशन का मतलब ये कि आपको अब मालूम है कि आपकी रिस्क कैपेसिटी 50 रुपीज से ज्यादा की नहीं है, 500 रुपीज से ज्यादा की नहीं है, या 2,000 रुपीज से ज्यादा की नहीं है। अब मान लीजिए कि 1,000 रुपीज की रिस्क कैपेसिटी के साथ आपने काम किया, जब भी आपको लगे यार इसमें चलो 2,000 का ले लेते हैं, कभी ये काम मत कीजिएगा। टेक्निकली आपकी गड़बड़ी हो जाए चलेगा, फंडामेंटल आप गलत हो जाओ चलेगा, मनी मैनेजमेंट अगर बिगड़ गया तो सब कुछ बेकार हो जाता है। सही बात। तो जितनी भी मेहनत है आप लोग बढ़िया करो, बस एग्रेशन में कभी भी कोई काम मत कीजिएगा। ऐसा भी होता है कि आपने ट्रेड लगा लिया, मतलब ट्रेड ले लिया और स्टॉप लॉस नहीं लगाया। कई बार हमारे स्टॉप लॉस हिट होता है और हम सोचते हैं कि यार हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, और ऊपर बैठा है कोई जो कि देख लेता है कि कुणाल जी ने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया है, तो अगली बार से कुणाल क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते हैं। ये भी एक बुरी हैबिट होती है, ये लैक ऑफ बात है। नॉलेज होता है, ये सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज है, प्रैक्टिशियर हो आप मार्केट में, अच्छी तरह से काम करो मनी मैनेजमेंट के साथ, और एक एजुकेशनल पर्सन की तरह काम कर रहे हो, तो कभी भी आप ये गलती नहीं करोगे कि आप स्टॉप लॉस ना लगाओ। हमेशा आप स्टॉप लॉस लगा के काम करना और एग्रेशन से बचे रहना, धीरे 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 सब कुछ हो जाएगा, एकदम से कुछ नहीं होगा। सर 17 तारीख से कितने, चार चार एक दिन चार, में एक ट्रेड सर। एक दिन में एक ट्रेड, चार में से स्टॉप लॉसेस किसके अंदर गए, मतलब कितने स्टॉक्स के अंदर स्टॉप लॉस गए हैं, किसी में भी नहीं गया है सर। रेशियो क्या था आपका, सर रेशियो क्या था ट्रेड का,
रेशियो था सर, फर्स्ट ट्रेड में 1:3, सेकंड में 1:4, वो मैं जल्दी एग्जिट किया था। सेकंड में थोड़ा मतलब काम था। 21 तारीख को 1:3, 22 तारीख को 1:4 समथिंग होगा, 4.38। परफेक्ट, बहुत अच्छी बात है ये। मिलन जिस तरह से काम कर रहे हैं अपना, जिस एनालिसिस के साथ काम कर रहे हैं, बात भी हमने आपसे की थी, बात करके भी अच्छा लगा था हमको। जिस एनालिसिस के साथ आप काम करो उसी एनालिसिस के साथ काम करते रहना। हाँ कोई अगर सर, इश्यू होता है किसी भी बात का, कभी पॉइंट पर जाकर के कुछ फंस गए या समझ में नहीं आ रहा, तो कॉल कर लीजिएगा। आप, हमको हमेशा नंबर ऑन ऑन रहेगा सर हमारा। हम क्लास के बाद आपको कॉल करने से रिसीव करेंगे। हाँ, अरे क्या बात करें, आप हमको 1 साल के बाद कॉल करोगे ना, तब भी आपको फोन रिसीव होगा। फोन हमेशा रिसीव होगा, सभी फोन रिसीव होगा। तो अच्छा है, मेरा टारगेट ये था कि आफ्टर 45 डेज अगर हम आप लोगों को प्रॉफिट में निकाल सकते हैं, तो ये हमारा, हम अपनी तरह से सक्सेस हो जाएंगे, मेरे हाँ लिए। सर, मुझे अब ऐसे लग रहा है कि प्रॉब्लम मेरे में था सर, मतलब माइंडसेट में प्रॉब्लम था, और थोड़ा ग्रीड और इमोशन जैसे हो रहा था। जब से मैं मतलब प्रॉफिट के तरफ देखना छोड़ दिया हूँ, मतलब मैं कुछ पैसे से कुछ नहीं देख रहा हूँ और ऐसे ही बस कर रहा हूँ। मतलब मेरा जो आप बता दिए हो, और मनी मैनेजमेंट के साथ साथ कर रहा हूँ और छोड़ देता हूँ। आज भी मैंने शायद और 1 पॉइंट बुक कर सकता था, लेकिन मेरी काम की वजह से मुझे जाना था, तो मैं उसको एग्जिट कर दिया। जितने में था इसमें एग्जिट कर दिया, तो थोड़ा अच्छा लगा। मतलब वही से उसी पॉइंट से थोड़े नीचे जाकर ऊपर को उतर रिट्रेसमेंट देता है, लेकिन मुझे मतलब फील अच्छा हुआ कि मैं खुद को कंट्रोल कर गया, ऐसे कुछ फील होता परफेक्ट, अच्छी बात है। ओके मिलन सर, थैंक यू। अखिलेश, है। हेलो, अखिलेश, जितनी भी चीजें हमने आपको बताई थी उसमें से 50% आप भूल चुके हो, तो ट्रेड में आपकी क्या एक्यूरेसी है, या आप कितने परसेंट ट्रेड को सही कर रहे हो, कितने परसेंट ट्रेड को सही नहीं कर पा रहे हो, इसका सवाल आपसे करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। सो आप ओवरऑल जो आप 45 डेज पहले थे, और अभी अगर कुछ ट्रेड आपका ठीक हुआ है। नहीं सर, मेरा ट्रेड प्रॉपर सारा एग्जिट प्रॉपर, मेरे आज भी मैंने SBI का ट्रेड किया था, वो तो मार्केट साइडवेज हो गया। नहीं तो मेरे को प्रॉपर, मेरे को टारगेट 1:4 मेरे को मिल रहा था, लेकिन वो लास्ट साइडवेज मार गया। और कभी मैंने वॉल्यूम के थ्रू ट्रेड किया था, उसमें 1:5 मेरे को 5 ईयर। तो सर प्रॉपर ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो थोड़ा सा सर होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं, माइंड सेट, मतलब थोड़ा सा जल्दी निकल रहा है या मार्केट, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सर। बाकी सर, बाकी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है फिर, वेरी गुड, अच्छी बात है। जब हमने आपसे कल क्वेश्चन किया था तो आप बीच में फंस गए थे। नहीं सर, वो एक्चुअल प्रॉब्लम ये था ना कि आपने जो थोड़ा वो बताया था ना, जो हमारा चैप्टर 9 के अंदर था, जी तो उसका मेरे को पता था, लेकिन वो सर थोड़ा सा वॉल्यूम में मेरे को डाउट था, वो कंफ्यूजन थी। ओके सर, ठीक बस है, यही था, बाकी तो सर। नहीं परफेक्ट है। ओवरऑल अभी तक प्रॉफिट में है, लॉस में है? सर, प्रॉफिट नहीं है मेरा सर। ओके, वेरी गुड। डॉक्टर अनिल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। अनिल जी, आप तो बिजी शेड्यूल की वजह से शायद आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। हाँ नहीं सर, मैं बिजी हूँ, यहाँ पे कोड ज्यादा है सर। चलिए ठीक है फिर। आई थिंक 45 डेज से पहले और अब की जो आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो, उसमें थोड़ा सा माइंडसेट आपका शायद चेंज होगा। बहुत बहुत सर। बट अब जब आप ट्रेड करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो एक्सेल फाइल हमको भेजेगा, क्योंकि अभी तक आपने एक भी एक्सेल फाइल हमको शेयर नहीं की। यस सर, करूंगा डेफिनेटली। या फिर ट्रेडिंग के अंदर मैं सर इंटरेस्ट आपका कम हो। लाइव नहीं होता हूँ सर, क्योंकि मैं आईसीयू में काम करता हूँ, तो वेंटिलेटर पे रहते हैं मेरे, 14 पेशेंट रहते हैं वेंटिलेटर पे, तो बिजी रहते हैं सर पूरा दिन, ओके, और नाइट को भी घर पे नहीं आ सकते हम, थोड़ा रूम लेके बाहर ही आइसोलेशन में रहते हैं, फैमिली के साथ नहीं रहते, ओके, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम में रहते हैं। कोई बात नहीं। सॉरी सॉरी अनिल जी, अगर आपको कुछ, बट मेरा कंसर्न नहीं ये था कि मतलब ट्रेड एग्जीक्यूशन होना चाहिए। आप अभी नहीं, अगर आप हमको, हाँ, ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा सर, ये मैं फ्री हो जाऊंगा तो मैं बाद में सब आपको रिपोर्ट करूंगा सर। हाँ आप हमको एक्सेल फाइल भेजिएगा। यस ओके यस, ओके, अनिश कृष्णा, कृष्णा जी जी बोलिए। जैसे कि मैंने टोटल 6 लिए थे, उसमें से 2 स्टॉप लॉस हिट हुए, क्योंकि उसमें मेरा ही मिस्टेक था थोड़ा सा, मगर उसके बाद मेरे को मिस्टेक पता लगा कि क्या है करके, क्योंकि मैंने मार्किंग गलत कर दिया था उसके बाद से। मगर ओवरऑल देखूंगा तो मैं प्रॉफिट में ही हूँ। जैसे कि ओके आपने बोला था 1:2 के हिसाब से मैंने ट्रेड लिया 3 रुपीज का स्टॉप लॉस, ओके, और वही मैं फॉलो कर रहा अभी तक, और आज भी मैंने ट्रेड लिया था उसमें भी प्रॉफिट है परफेक्ट। आज क्या ट्रेड किया था? सर। आज मैंने दो देखा था, मगर मैंने एक ही ट्रेड लिया, एक अंबुजा का, अंबुजा सीमेंट था, और एक आपने जो ग्रुप में डाला था ब्रिगेड का, ब्रिगेड, हाँ। हाँ उसमें मैंने देखा था।
लेवल्स में, हाँ ऐसे ग्रुप में आया था तो, मगर उसमें मैंने ट्रेड लिया था, उसमें वो अच्छे से प्रॉफिट हुआ। अभी मैं 1:2 के इसमें एक्सिट हो गया, ज्यादा लेने नहीं गया, जैसे आपने बोला था कि ऐसे ही कंटिन्यू करो, जब तक ये नहीं होता तब तक 1:2 के हिसाब से। परफेक्ट, बढ़ता चला जाएगा, विश्वास मानो आप, यही रेशियो बढ़ता चला जाएगा। हाँ सर करेक्ट है। अच्छा नहीं मतलब कोई बुरा नहीं है, और आप प्रॉफिट में हो ये मेरे लिए बड़ी बात है। हाँ सर ओवरऑल प्रॉफिट में हो। अच्छा ये बड़ी बात है, मार्केट से प्रॉफिट निकालना मतलब बहुत बहुत मेहनत लगती है उसके लिए। वेरी गुड, अच्छा है ये। ओके निश्चित। भरत साहब। हेलो सर, कैसे हैं? सर मैं ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ, और मैंने आज पीवीआर में ट्रेड एग्जीक्यूट किया था। पीवीआर में? तो टोटल पूरे वीक में कितने ट्रेड आपने एग्जीक्यूट किए थे? सर आज तो मैंने एक पीवीआर ही लिया था, और लास्ट एक में सर 17 से अब तक टोटल में 7 मतलब 6 ट्रेड एग्जीक्यूट किए मैंने, और हाँ टोटल 6 एग्जीक्यूट करिए, जिसमें से अब तक मेरा 21 स्टॉप लॉस है। परफेक्ट, वेरी गुड। कुछ में ऐसा हुआ है कि मैंने 1:1 बुक किया है, लेकिन मैंने स्टॉप लॉस एक भी हिट नहीं हुआ मेरा अभी तक, आज अगर मैं आज का अपना करंट वो लेके चलूँ। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है, गुड गोइंग। ये अच्छा, जिस हिसाब से भरत आप बता रहे हैं या फिर सभी लोगों ने बताया ना, ये हम लोगों की शुरुआत है। ये हम इन 45 डेजेस में आपसे सिर्फ इतना ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके हाथ में एक प्रॉपर तरह से सिस्टम मिल जाए आपको, है ना, आफ्टर 45 डेज। क्योंकि अभी तक हम ऐसा मान करके चल रहे हैं कि शुरुआती फेज जो होता है ना, इसमें हमारे पास स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए कुछ प्रोसेस की कमी होती है, जिसको हम सर्च करने की कोशिश करते हैं। एक सिस्टम को बांधना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि अगर हमें ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो कौन सी फॉर्मेशंस को फिक्स्ड करके हमें एंट्री लेनी है, या फिर स्टॉप लॉसेस कैसे लगाने हैं, निफ्टी को, स्टॉक को, सेक्टर को किस तरह से देखना है, ये एक सिस्टम की तलाश में बहुत सारा समय हम लोगों का चला जाता है। इतने दिन में अगर ये सिस्टम आपके हाथ में पकड़ में आया है तो ये क्या है, ये शुरुआत की आपकी प्रैक्टिस है, बस इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कीजिएगा। ओके, कोई बहुत बड़ा रिस्क अभी मत डालिएगा इसके अंदर, जिस हिसाब से हमने मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट हमने और शिव जी ने आपको बताया है वैसे ही कंटिन्यू कर दीजिएगा, सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। कोई भी एग्रेशन में मत आइएगा कि अभी हम 50 रुपीज को संभालने लग गए, चलिए ठीक है इसमें हमको ज्यादा, जैसे हमने फोन पर आपको बताया था, अचानक से एग्रेशन में मत, मतलब दो दिन तक आपने 100, 150, 300, 400 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ काम किया, अचानक से अग्रेसिव हो गए और आपने 1000 रुपीज का रिस्क ले लिया, लॉस हो जाता है, फिर सही डिसीजन आप नहीं ले पाओगे क्योंकि स्ट्रेस हो जाता है। दीपक जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, मैंने पूरे वीक में 4 ट्रेड किए। कितने? 4 ट्रेड। 4 जी सर। ओके, जिसमें से सर मेरे 2 में स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और 2 में टारगेट हिट हुआ है, परंतु सर जो स्टॉप लॉस हिट हुआ ना मेरा, वो भी सर उसमें कुछ रीजन हो गया कि मैंने कुछ ज्यादा ही छोटा स्टॉप लॉस रख दिया, बिल्कुल नियर एकदम, जिसका बनता थोड़ा विक के नीचे था, परंतु मैंने उसके क्लोजिंग पॉइंट पे स्टॉप लॉस रख दिया सर। ओके, इस वजह से वो स्टॉप लॉस हिट हो गया, परंतु सर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद और वो अपनी डायरेक्शन में चला गया, जिस साइड में अपना व्यू था ना सर, बाई साइड में, उसी साइड में वो स्टॉक चला गया सर, 2 स्टॉक में वो, और 2 में सर, 1 में 2% टारगेट मिला, 2% टारगेट मिला जी सर। ओके, 1 में 1 समथिंग था सर, 1.5% के समथिंग मिला है। बहुत अच्छी बात है, बढ़िया। और 2 में सर गया तो अपने व्यू की शेड में था स्टॉक दोनों में, परंतु वो स्टॉप लॉस हिट करने के बाद चला गया सर। वेरी गुड, अच्छी बात है। स्टॉप लॉसेस जैसा कल all, हाँ बोलिए। हाँ सर, ऑल ओवर देखें तो 4 ट्रेड में से प्रॉफिट ही है सर। वेरी गुड, अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात है। स्टॉप लॉसेस जैसे हमने आपको बताए थे उस तरह से कोशिश करिए स्टॉप लॉस लगाने की। हाँ जी सर। सर क्या है कि मैंने वीक को कंसीडर नहीं किया, वीक को छोड़ के जैसे कैंडल की जो क्लोजिंग पॉइंट है ना सर, क्लोजिंग पे रख दिया, क्लोजिंग के ऊपर रख दिया स्टॉप लॉस, और जैसे वीक उसकी थोड़ी नीचे थी, वीक को हमने कंसीडर नहीं किया, इस वजह से सर वो हिट हो गया। नहीं, वीक को ले लीजिए क्योंकि प्राइस तो एक्चुअली आपको उसी रेंज तक गया है ना। जी सर, प्राइस एक रेंज तक अगर गया है जिसने एक स्विंग बनाया है तो स्टॉप लॉस को वहीं पर लगाना होगा। हाँ जी सर, ज्यादा बड़ा इशू हुआ वरना सर अपने व्यू साइड में गया स्टॉक तो। सर कॉल मेरे पास नहीं आया आपकी तरफ से, शायद
पांच लोग हैं जिनको हम कॉल नहीं कर पाए, पांच लोग। ओके सो बाकियों को हम कर देंगे, क्योंकि आज भी हम कॉल किए हैं, काफी लोगों को हमने आज कॉल की है, बात करते ना तो करीब आधा आधा घंटा लग जाता है बात करते में, तो तीन चार लोगों से बात करो दो घंटे पता नहीं चलते कि कहाँ चले गए। तो कुछ लोग बचे हैं जिनको हम कॉल कर लेंगे। और सर आयशर मोटर का आज का ट्रेड मतलब थोड़ा समझ भी नहीं आया, मतलब कौन सा फॉर्मेशन हो रहा था वहां पे? चलिए आयशर मोटर को भी एक्सप्लेन कर देते हैं, आयशर मोटर को एक्सप्लेन करेंगे और टारगेट्स को किस तरह से डिफाइन करती है एक्सप्लेन करेंगे। ओके चलिए अभी करते हैं उसको। कई बार क्या होता है ना, मान लीजिए कि लाइव एग्जांपल लेते हैं कोई, आज का इंडसइंड बैंक का सर ले लो सर, जैसे कि आज का इंडसइंड बैंक का, जैसे मान के चलिए हमारा फेसबुक का चार्ट चला है, फिर देखते हैं कोई और अच्छा हो, टेस्ला है, इथेरियम है, इस पे कुछ नहीं करेंगे, सिंपल हम एक काम करते हैं, एक ट्रेंड लाइन हमने डाल दी, कुछ नहीं करना। एक सेकंड सर, सोनू प्लेयर। ओके सर, बोलिए सर। ट्रेंड लाइन डाल देने के बाद वापस देखिए, यहाँ पर हमने एक सपोर्ट लाइन डाली है, है ना? अब बताइए ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट के अंदर है, ये स्टॉक अगर डाउन साइड की तरफ गिरता तो आपको क्या लगता है इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज है? सपोर्ट लाइन को ब्रेक करना जरूरी है विद वॉल्यूम का। ओके और जब ये ब्रेक करता है तभी उस कंडीशन में हम सेल के लिए सोचेंगे। बट मेरे तरफ ना, मैं तो कभी कभार कंफ्यूज इसलिए हो जाता हूँ कि हम दिमाग में ये रख लेते हैं इसको हम बाय साइड में लेना है, बट वो ट्रेड करता है ऐसे सेल साइड के लिए, तो वो दिक्कत आ जाता है कि जब हम ले तो हम बाय का सोच के रखते हैं और ट्रेड मतलब जो चलता है वो तो सेल साइड का चलता है, तो इस कंडीशन में थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। इसको बोलते हैं लालच, ये लालच होता है। हम अगर बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशंस के अंदर शॉर्ट सेलिंग के लिए बैठे हुए हैं, रीजॉइन करिए सभी लोग वापस से एक सेशन और रीजॉइन, एक नहीं आज करीब तीन सेशन होंगे हम लोगों के, रीजॉइन करिए सभी लोग। ओके रीजॉइन करिए।